आज हम जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राज्य स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम 2017 की प्रतियोगिता के प्रतिभाग करने के लिए आपको हम गाइड ना करना के लिए बुलाया है। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि दृश्य कला में आप लोगों को जिस विधा को आप वहाँ दिखाने जा रहे हैं राज्य स्तर पर, उसको किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने कैसे वहाँ पर आपकी दृश्य कला में किस चीज को समझाना है, क्योंकि आप लोग की मैडम लोग यहाँ पर आप लोगों को गाइड करेंगे। दिन प्रतिदिन जो धार्मिक और सामाजिक जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें इन चौकियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शिवपीठ है, महालक्ष्मी चौकी है, दुर्गा चौकी है, ये सारी चौकियाँ बनाई जाती हैं। इनमें से एक चौकी है दुर्गा चौकी के विषय में बताती हूँ। जो दुर्गा चौकी है ये कुमाऊँ जो एपर शहरी है उसकी सर्वश्रेष्ठ चौकी मानी जाती है और इसको विवाह में कन्या पक्ष द्वारा बनाया जाता है। विवाह के समय में जो वर और वधु होते हैं उनके आसन के लिए चौकी बनाई जाती है और कन्या के पिता इसे दान स्वरूप देते हैं। ये जो चौकी होती है ये विष्णु भगवान का प्रतीक मानी जाती है। इसके मध्य में जो मध्य भाग होता है ये हवन कुंड का प्रतीक माना जाता है और उसके ऊपर जो आड़ी और खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है ये जो रेखाएं होती हैं ये अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रतीक होती है। इसके अलावा बच्चों देखो ये चार जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इन्हें फांगा या फिर चार हाथ कहा जाता है। ये चौकी के चार हाथ होते हैं और इनके शीर्ष में चार गगरिया होती हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो स्थान होता है इस स्थान को पेटिका भी बोलते हैं और ऊपर जो शीर्ष होता है उसको मुकुट कहते हैं। ये मुख्यतः जो चौकी होती है ये अष्टदल कमल से निर्मित होती है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये जो चौकी मुख्यतः होती है ये अष्टदल कमल से निर्मित होती है। इसके अलावा ये जो चौकी होती है इसका जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है ये दुर्ग चौकी कहा जाता है और विवाह में इस्तेमाल इसका किया जाता है और बाद में इस चौकी में जो वधु के पिता होते हैं वो जो वर पक्ष होता है वर का पैरों में पानी डालते हैं पैर धोते हैं और अर्घ देकर कन्या को दान स्वरूप भेंट कर देते हैं। तो जो ये चौकी होती है ये विवाह में इस्तेमाल की जाती है, इसे दुर्गा की चौकी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले चार बिंदुओं से शुरू की जाती है, ठीक है, चार बिंदुओं से शुरू होती है। फिर जो ये हमारे ये बनाए जा रहे हैं ये जो बना रहे हो आप लोग ये यहाँ पे इनके दल वो बैठाए जाते हैं और उसके बाद जो हमारा ये त्रिशूल का जो चिन्ह आ रहा है तो ये इनका शिव जी का प्रतीक चिन्ह है। कुमाऊनी कल्चर में वैशाख माह में और उसमें सावन में और भाद्रपद उसमें बनाई जाती है। इसके इसे हम कुमाऊनी में इसमें पार्थिव पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम इसमें यहाँ पे जो है इसके चार बिंदुओं से इसको शुरू किया जाता है। यहाँ पे उनके गढ़ बिठाए जाते हैं, ये गढ़ होते हैं ये, ठीक है, और ये त्रिशूल जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। इसी खुरपाताल के वे बच्चे जो कि राज्य स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम में वर्ष 2017 के लिए प्रतिभा करने जा रहे हैं उनके गाइड मेंटर मैडम सबनम और संध्या के निर्देशन में बच्चे उनके द्वारा कला उत्सव कार्यक्रम में एप्पल विधा को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। विद्यालय के प्रांगण में ही बच्चों के द्वारा भव्य आकृतियां बनाई गई हैं, उनमें से एक नमूना यह भी है जिसे उनकी मैडम के निर्देशन में तैयार किया जा रहा है। ये बच्चे राज्य स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम में दृश्य कला विधा के अंतर्गत अपना कौशल दिखाएंगे। झील का किनारा और जीजीआईसी खुरपाताल की प्रधानचार्या हमारे साथ हैं। कला उत्सव के सिलसिले में
आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके बच्चे किस तरह इस कला राज्य स्तरीय कला उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय की छात्राएं प्रतिभाग करने जा रही हैं। ये हमारे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। इस कला प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए मेरी विद्यालय की शिक्षिकाएं श्रीमती संध्या आर्या और कुमारी शबनम के द्वारा बच्चों को निर्देशन दिया गया, बहुत तैयारी कराई गई, अभ्यास बच्चे अभी तक कर रहे हैं और उनके निर्देशन में छात्राएं दृश्य कला प्रतियोगिता में अर्पण कला को दर्शा रही हैं। मेरा बच्चों के संग मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये राज्य स्तर में भी सफलता प्राप्त करें।